बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ आज का जो डॉलर का और रियाल का रेट है मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से और आज का जो एक्सचेंज रेट रखा जी वो शेयर कर दूंगा मैं। सबसे पहले हम डॉलर के मतलब ही बात करेंगे जो कि 287 रुपये प्लस में आज भी जा चुका है, यानी कि आज से अभी से जब ये वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, चंद मिनट पहले की रिपोर्ट थी HBL बैंक की 287 रुपये 10 पैसे, ठीक है। स्टेट बैंक की तरफ से अभी तक कन्फर्म नहीं किया गया है। ओपन मार्केट में वैसे अभी भी 300 प्लस में है। अगर हम रियाल रेट के मुतालिक बात करें तो आपको मैं यहाँ पर एक्सचेंज रेट पहले दिखाने से, अच्छा यार मैं एक चीज पहले बता दूं कि आज मैं खबर पढ़ रहा था कि यूनान के साहल पर कश्ती डूबने से सैकड़ों के हिसाब से बंदे डूबकर हलाक हुए हैं, कुछ लापता हुए हैं जिनमें पाकिस्तानी भी शामिल है। आप अक्सर ऐसी न्यूज़ सुनते होंगे। ये बात शेयर करने का मकसद क्या था? मकसद ये था जी, जो भाई पाकिस्तान से टंकी लगाकर जाने की कोशिश करते हैं कंट्रीज इटली वगैरह या दूसरी कंट्रीज में, यार खुदा के लिए यार ऐसे काम मत करें। चंद लाख रुपए लगाकर सऊदी अरब चले जाएं, उमरा करें, मदीना शरीफ देख लें, ज्यारतें करें, बंदा रिजक भी अच्छा कमा लेता है। अगर कमाने वाला हो तो 1.5-2 लाख रुपए महीना कमा भी लेता है आज़ाद जो बंदा होता है। आपको मेरी इस बात से कितना इतफाक है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर हम रियाल रेट के मुताबिक बात करें तो आपको एक्सचेंज रेट पहले मैं दिखा रहा हूँ, आज का 76 रुपए 61 पैसे आज हाई हुआ है जी रेट रियाल का भी। और अगर बात करें इंडियन रुपए की तो 21 रुपए 88 पैसे, बांग्लादेश टका 28 टके 96 पैसे। मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से बात करेंगे, इनमें फौरी बैंक की सबसे पहले आपको मैं दूंगा जी आज का रेट। फौरी बैंक 75 रुपए 86 पैसे हाई रेट के साथ और 10, 17 और 23 रियाल इनकी फीस होती है। अगर STCP की बात करें तो 75 रुपए 58 पैसे रेट और 10, 17 और 23 रियाल इनकी भी फीस होती है। अगर हम तहवील राजी यानी कि राज्य बैंक की बात करें तो इनका रेट 75 रुपए 47 पैसे 10, 17 और 23 रियाल एंड कुछ मामला में ये 30 रियाल भी काट लेते हैं बैंकों वाले, ये इनकी फीस होती है। अगर वेस्टर्न यूनियन से भेजें तो 75 रुपए 75 पैसे इनका भी ठीक है रेट और 10, 17 और 23 रियाल इनकी भी फीस है। अगर मनीग्राम से हम ट्रांसफर करना चाह रहे हैं तो 76 रुपए पूरा 76 रुपए मनीग्राम रेट दे रहा है जी और हाई रेट है सबसे इस मनीग्राम का। और मनीग्राम से आप HBL में भी पैसे भेज सकते हैं, आज मैं HBL की पोस्ट भी देख रहा था और इनमें भाई इसकी फीस 10, 17 और 23 रियाल इनकी भी फीस है। अगर टैली मनी यानी कि ANB बैंक की बात करें तो इनका रेट आज का 75 रुपए 62 पैसे है जी और 10, 17 और 23 रियाल इनकी भी फीस है। अगर इंजाज बैंक से आप पैसे भेजना चाह रखे हैं तो इंजाज बैंक आज का रेट दे रहा है 75 रुपए 57 पैसे 10, 17 और 23 रियाल फीस के साथ। और अगर आप क्विक पे से भेजना चाह रहे हैं तो क्विक पे का आज का रेट है जी 75 रुपए 63 पैसे 10, 17 और 23 रियाल फीस के साथ। अगर आप पाकिस्तान में रियाल लाकर एक्सचेंज करवाना चाह रखे हैं तो इस सूरत में आपको 80 रुपए प्लस में, कल 79 पर चला गया था लेकिन आज फिर 80 रुपए प्लस में आपको पाकिस्तान में भी रेट मिल जाएगा।